हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन अपनी लीनियर की नेक्स्ट वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ। और जो आज हम स्टडी करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। सपोज कीजिए मेरे पास कोई दो वैक्टर है, दिस इज वन एंड टू, दिस इज फोर फाइव। यहाँ आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, सिमिलरली इसको यहाँ करना मल्टीप्लाई और आपको जीरो जीरो लेके आना है। आपको इसका नाम सपोज कीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। आपको ए और बी को फिल करना है, ऐसे नंबर फिल करना है जिससे आंसर जो है हमारा क्या आ जाए, जीरो जीरो आ जाए। और आपका जो टारगेट है ए और बी की नॉन जीरो वैल्यू को फिल करने का है। सबसे पहले आपको कोशिश करना ए और बी को नॉन जीरो नंबर भरो। सपोज कीजिए मैं ए को भर लेता हूँ, ये यहाँ पे सपोज कीजिए एट है मेरे पास, इसको मैं भर लेता हूँ फोर, इसको भर देता हूँ मैं माइनस वन। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर एट, ये माइनस फोर एट, माइनस एट सम करेंगे जीरो आ जाएगा। या मैं इसको भर लेता हूँ एट, इसको भर देता हूँ माइनस का टू, तो ये क्या आ जाएंगे, जीरो जीरो आ जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें, सपोज कीजिए ये हमारे पास वी वन है, ये हमारे पास वी टू है, तो हम लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे, लेट वी वन एंड वी टू आर टू वेक्टर, ये हमारे कोई दो वेक्टर है। और हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं ए या अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू, किसके इक्वल लेके चलते, जीरो। इफ एट लीस्ट वन अल्फा आई इज नॉन जीरो, अगर इनमें से किसी एक की, या तो अल्फा वन की या अल्फा टू की, या दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, नॉन जीरो हो जाती है, कि अल्फा वी वन प्लस अल्फा टू वी टू जीरो के बराबर है और कम से कम एक जो अल्फा इज है वो जीरो नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो वी वन और जो वी टू है ये हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। जैसा कि मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था, वहाँ वी वन और वी टू क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम एल आई कहेंगे और लीनियरली डिपेंडेंट को हम एल डी कहेंगे। वी वन और वी टू को क्या कहेंगे, हम कोई दो वेक्टर है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास ये है वन और टू और ये हमारे पास है फोर और फाइव, ये ए ले लिया हमने, यहाँ बी ले लिया, और मैं कहता हूँ आप ए और बी को किससे मल्टीप्लाई करो कि इसका आंसर जीरो आ जाए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, ए को भी फिल करना पड़ेगा जीरो, बी को भी जीरो, इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है जिससे इन दोनों का सम जीरो आ जाए। दैट मीन्स ये इसका नाम वी वन दे देते, इसका नाम वी टू दे देते, दैट मीन्स वी वन एंड वी टू आर एल आई, वी वन और वी टू दोनों के दोनों वैक्टर कैसे है, एल आई वैक्टर है। एल आई क्यों है, क्योंकि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तभी आएगा जब हर एक स्केलर की वैल्यू जीरो हो जाए। दैट मीन्स अल्फा वी वन प्लस अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू इज जीरो इफ ऑल अल्फा आईज आर जीरो। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, कब, फॉर ऑल अल्फा वन अल्फा टू आर जीरो, यानी कि जितने भी हमारे पास स्केलर है वो सभी के सभी क्या है, जीरो। अगर हमारे पास कम से कम एक नॉन स्केलर, एक कम से कम एक स्केलर कैसा है, नॉन जीरो है, तो हम ये क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एलडी है। आगे देखिए, सपोज कीजिए एक वेक्टर है हमारे पास वी और इसके पास एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट है और ये बोल दिया जाए एल डी या एल आई चेक कीजिए।
अब एलडी या एलआई चेक करना हो, कितने एलिमेंट हो सेट के पास, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट हो, तो आप क्या कीजिए, इसके फाइनाइट मैनी एलिमेंट पिक कीजिए, और इसके हर बार फाइनाइट मैनी एलिमेंट पिक करने पे अगर वो हमारे पास क्या रहते हैं, एल आई रहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो हम वी को क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट स्टडी करते हैं। रिजल्ट नंबर फर्स्ट तो ये कहता है एम्प्टी सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो एम्प्टी सेट होता है इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट माना गया है, लेट किया गया, डिफाइंड किया गया है, कि जब इसकी डेफिनेशन दी गई तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि जो हम एम्प्टी सेट होगा हमारा उसको हम क्या लेट करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट लेट करेंगे, ये डिफाइंड किया गया है। उसके बाद हम आते हैं जीरो वेक्टर, सिर्फ एक वी वेक्टर है, वो क्या है, जीरो है। तो हम कहेंगे जीरो जो सिंगलटन जीरो वेक्टर होता है ये हमारे पास होता है लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों होता है, हम देखिए अल्फा वी वन को किसके इक्वल लेके चलना, मुझे जीरो, और मेरा टारगेट होता है अगर अल्फा की वैल्यू नॉन जीरो है तो आंसर आ जाएगा जीरो। देखिए मैंने ले लिया सेवन और वी कितना मेरे पास, ये तो जीरो ही है, आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। दैट मीन्स अल्फा कितना हो गया यहाँ, सेवन, जो कि क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर कोई सेट के पास सिर्फ एक सिंगलटन जीरो वेक्टर है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलडी। फिर बच्चे कहेंगे सर हम जीरो से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, मैं कहूँगा हमें कोशिश करनी है अल्फा आई को सबसे पहले नॉन जीरो लेने की, अगर नॉन जीरो आप नहीं ले पा रहे तब जीरो लेना है, इसलिए सिंगलटन जीरो वेक्टर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सेकंड देखिए, सेकंड रिजल्ट ये है, एक वी सेट है और उसके पास क्या एलिमेंट है, कोई ए एलिमेंट है, और ए एलिमेंट कैसा है, नॉन जीरो, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो कैसा है, नॉन जीरो है, तो आप ये बोल दीजिए दिस इज एल आई, ये हमारे पास एल आई होगा। क्यों होगा, आप अल्फा इंटू वी लेके चलो जीरो के इक्वल, अल्फा वी कितना है हमारे पास, ए, दैट मीन्स जीरो। अब दो नंबरों की प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, दैट मीन्स या तो पहला जीरो होगा या फिर दूसरा जीरो होगा, और जहाँ पे जो ए है ये जीरो नहीं है, ए की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, ए की वैल्यू नॉन जीरो है, दैट मीन्स अल्फा यहाँ से कितना आएगा, जीरो, और स्केलर की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, नेक्स्ट रिजल्ट ये है, इफ ए सेट कंटेन्स ए जीरो वेक्टर देन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर किसी सेट के पास जीरो वेक्टर आ जाए तो वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक वी सेट है, और वी सेट में हम डाल देते हैं वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, और एक पांचवा डाल देता हूँ जीरो वेक्टर। जो वी वन है, वी टू है, वी थ्री और वी फोर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ये जीरो है या नॉन जीरो है, बट वी के पास क्या है, एक जीरो वेक्टर है, तो आप डायरेक्ट इसको बोल दीजिए कि ये जो वी सेट है हमारे पास ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखिए क्यों होगा लीनियरली डिपेंडेंट, आप क्या कीजिए, अल्फा इज अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू, अल्फा थ्री वी थ्री, अल्फा फोर वी फोर, अल्फा फाइव इंटू जीरो, किसके इक्वल लेके चलना, जीरो के। देखिए अल्फा वन को, अल्फा टू को, अल्फा थ्री को और अल्फा फोर को तो ले लो आप जीरो, और अल्फा फाइव को ले लो नॉन जीरो एलिमेंट, कुछ भी ले लो, टेन ले लिया जैसे, तो ये आएगा जीरो इंटू वी वन, जीरो इंटू वी टू, जीरो इंटू वी थ्री, जीरो इंटू वी फोर, प्लस टेन इंटू जीरो, किसके इक्वल है, जीरो के, और ईच स्केलर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जो टेन आ चुका स्केलर ये जीरो नहीं आया,
सभी के सभी स्केलर क्या नहीं है हमारे पास, जीरो नहीं है, और जबकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, जीरो। दैट मीन्स ये जो वी सेट हो गया ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। इसलिए हम कहेंगे अगर कोई सेट है उसके पास जीरो वेक्टर है तो वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। बट उसके पास जीरो वेक्टर नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। जीरो वेक्टर नहीं है तो नथिंग टू से, डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था उसके अंदर v1 और v2 क्या थे, नॉन जीरो थे, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम क्या लेके चले थे, जीरो आ गया था, जो अल्फा इज नॉन जीरो थे। दैट मींस अगर जीरो वेक्टर है तो लीनियरली डिपेंडेंट बोल दो, और जीरो वेक्टर नहीं है उसके पास तो कुछ मत बोलो, डिपेंडेंट भी हो सकता है इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। देखिए अब हमारे पास है टू वेक्टर, इफ वी वन एंड वी टू आर एल डी, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है देन दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरा बनाया गया है। जैसे देखिए करते हैं प्रूफ कैसे, सपोज कीजिए अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू किसके इक्वल है, जीरो के, और ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो कम से कम एक वीआईज तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मैं लेट कर लेता हूँ कि अल्फा वन क्या नहीं है, जीरो नहीं है। अल्फा वन अगर जीरो नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अल्फा वन वी वन किसके इक्वल आएगा, माइनस अल्फा टू वी टू, और यहाँ से वी वन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस अल्फा वन अल्फा टू बाय अल्फा वन इंटू वी वन, ये वी वन, और इसका नया नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं अल्फा थ्री वी टू। दैट मीन्स जो वी टू है, जो वी वन है, वी टू की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आया है। दैट मीन्स वी वन जो है वी टू का क्या है, स्केलर मल्टीपल, वी टू को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है, और क्या आ गया हमारा, वी वन आ गया। तो इसलिए जब कभी भी आपको दो वेक्टर दे दिए जाए और ये चेक करना है एल डी है या एल आई है, ये चेक कर लीजिए किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या दूसरा वेक्टर बनाया जा सकता है। अगर बनाया जाए तो आप ये बोल दीजिए ये क्या है हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट अदरवाइज इंडिपेंडेंट, और ये सिर्फ दो वेक्टरों के लिए है। अब देखिए सपोज कीजिए हमारे पास कोई एल आई सेट है, दिस इज एल आई, समझते हैं। सपोज कीजिए इसके पास तीन मेंबर है, ए बी और सी, ये है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मीनिंग ये है, ए बी सी एक दूसरे को कोई नहीं जानता, ना तो ए बी को जानता ना ए सी को जानता, सिमिलरली ना तो बी ए और सी को जानता ना ही सी जानता। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब कोई किसी को नहीं जानता, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये है हमारे पास कोई सेट। सपोज कीजिए अब इस सेट के अंदर से क्या करता है, जो बी है बी उठ के बाहर चला जाता है, अगर बी बाहर चला जाएगा, ये ए सेट इसका नाम दे देता हूँ मैं वी वन, इसका नाम दे दिया वी टू, और यहाँ से ए उठ के बाहर चला गया तो यहाँ क्या रह जाएगा, ये बी वेक्टर रह जाएगा और ये सी वेक्टर। अब बताइए क्या ये एक दूसरे को जानते हैं, आप कहोगे नहीं, अब कैसे जान जाएंगे, जब यहाँ पे एक दूसरे को नहीं जानते, इन्हीं को उठा के हमने यहाँ डाला है, दैट मीन्स ये भी क्या एक दूसरे को नहीं जानते, और ये नहीं जानते तो ये भी क्या है एल आई, ये इसका क्या है छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। तो हम क्या कहेंगे, इफ सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन सबसेट ऑफ ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। नॉन जीरो वेक्टर पे सपोज कीजिए हमारे पास कोई वी आई दे दिया जाए, और कोई वी आई जो हमारे पास है क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसका जो छोटा सेट है वो भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। या दूसरे शब्दों में ये कहूँ, मान लेता हूँ एक रूम है उसके अंदर 10 स्टूडेंट है,
और वो जो 10 स्टूडेंट है वो एक दूसरे को नहीं जानते। अगर वो एक दूसरे को नहीं जानते तो क्या हो गए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। सपोज कीजिए उसके अंदर से कोई दो स्टूडेंट उठ के बाहर चले जाते हैं, तो क्या होंगे, वो तब भी एक दूसरे को नहीं जानेंगे। इट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट का सबसेट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं सुपर सेट की। सपोज कीजिए ये मेरे पास जो V1 है, ये एल आई है, तीन वेक्टर है। अब क्या होता है, एक V2 आया, V2 के अंदर क्या किया हमने, ये तीन तो है ही, एक नया वेक्टर आ गया यहाँ D। अब मैं आपको ये पूछता हूँ, अब बताइए एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। आप कहोगे ये तो डिपेंड करता है कि जो आया है वो कौन है, क्या पता जो D वेक्टर आया है वो ABC का कोई जानकार हो, या हो सकता जानकार ना हो, यानी कि नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। तो इसलिए इस जो ये मैंने BI बनाया है, अगर ये जो D हमने डाला है अगर ये जानकार है तो क्या हो जाएंगे, डिपेंड कर जाएंगे, और अननोन है तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। दैट मीन्स क्या कहूंगा कि सुपर सेट ऑफ LI में और मे नोट बी LI। अगर कोई सेट LI है तो उसका सुपर सेट अगर आपने बना दिया तो वो LI हो भी सकता है और नहीं भी। अगर जो आपने D वेक्टर, जो नए वेक्टर लेके आए हो, अगर वो एक दूसरे को नहीं जानते जो पहले वेक्टर थे, तो आप बोल देना कि वो क्या है, LI है, अदरवाइज LD है। और इसके लिए हमारे पास मे और मे नोट का रिजल्ट है। अगर कोई सेट LI है तो उसका सुपर सेट LD भी हो सकता है और LI भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं LD की। ये V1 है, दिस इज LD। LD मान लेता हूं कि ये जो V1 है दिस इज LD, ये LD है, LD है, दैट मींस इनके बीच में रिलेशन है। या तो ए बी, मीन्स बी और सी में से किसी को जानता है, या बी जानता है, या फिर सी, इनमें से कम एक तो बाकी दूसरे उन इन दोनों में से किसी एक को जानता है, रिलेशनशिप है। सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सेट लिया हमने, ले लिया सिर्फ बी और सी। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, अब बताइए क्या ये LD है या LI है, तो आप कहोगे हम कुछ नहीं कह सकते, क्या पता पहले जो रिलेशन है वो ए और बी के बीच में हो, और ए बाहर चला जाएगा तो इनके बीच में तो कोई रिलेशन था ही नहीं। दैट मीन्स ये जो सेट था हमारे पास क्या था, LD था, डिपेंड करते थे, इनके बीच में रिलेशन था, मान लेता हूँ रिलेशन ए और बी में था, और ए बाहर जाने से इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, LI। या सपोज कीजिए कि जो पहले रिलेशन था वो हमारा बी और सी में था, और ए बाहर चला गया, तब भी बी और सी प्रेजेंट है, दैट मीन्स अब भी एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास क्या है, वी इज लीनियरली डिपेंडेंट देन सबसेट ऑफ LD में और मे नोट बी LD। अगर हमारे पास कोई सेट LD है तो उसका सबसेट LD भी हो सकता है, LI भी हो सकता है, हमें चेक करना होगा, हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, जो VI चाहिए LLD है, दैट मीन्स ये एक दूसरे को जानते हैं, कौन जानता है इनके बीच में किस क्या रिलेशनशिप है वो हमें नहीं पता। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक नया वेक्टर लिया है D, अब मैं ये पूछता हूँ क्या एक दूसरे को पहले मान लेता हूँ रिलेशन जो था वो A और B के बीच में था, अब इसके अंदर D और डाल दिया हमने, A B में तो रिलेशन ऑलरेडी है, अब आपने D नया वेक्टर डाला है, D वेक्टर नोन हो या अननोन हो, बट A और B के रिलेशन के बीच में रिलेशन तो तब भी रहेगा। दैट मीन्स अगर ए और बी सी तीन LD वेक्टर है, और उसके बीच में आप उसके अंदर आप एक नए वेक्टर और उठा लेते हो, जो कि क्या है, कुछ भी हो, जीरो रहे, नॉन जीरो, कुछ भी रहे, तब भी और ए और बी के बीच में तो रिलेशन रहेगा, और रिलेशन रहेगा तो ये तब भी रिलेशन है, तो क्या हो जाएंगे, LD। दैट मीन्स क्या कहेंगे हम कि सुपर सेट ऑफ LD इज LD। अगर हमारे पास कोई सेट LD है तो
तो उसका जो सुपर सेट है वो भी क्या होगा, एलडी। तो देखिए हमारे पास क्या आ चुकी, रिलेशन आ चुकी। अगर LI से बात करें, ये LI है, ये हो गया सुपर सेट और ये हमारे पास हो गया सब सेट, ये हमारा LD सुपर सेट और ये हमारा हो जाएगा सब सेट। अगर हमारे पास कोई सेट LI है तो सुपर जो सेट है उस पे लगा दो काटा, काटा मीन्स उसको कट कर दो, मे बी LI और मे बी LD, यानी कि ये क्या होगा, LI भी हो सकता है और LD भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बट अगर LI है तो सब सेट को कर दीजिए LI, LD पे आइए। अगर सेट LD है तो सुपर सेट को तो लिख दो LD और सब सेट पे कर दो रॉन्ग, दैट मीन्स ये LI भी हो सकता है और LD भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो डिपेंड करता है कि क्या कौन से वेक्टर लिए गए हैं, तो ये आपको रखना है याद। आगे देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट है V और हमारे पास क्या है V1, V2, V3, V4, V5, ये पांच वेक्टर है और ये पांच वेक्टर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर एक छठा वेक्टर डाला V6 और इस वेक्टर के डालने के बाद ये क्या हो गए, LD हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। यानी कि जो पांच वेक्टर थे पहले वो थे LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। जैसे ही आपने छठा वेक्टर डाला ये क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब इनके बीच में रिलेशन आ गया। तो आप क्या कहोगे कि जो आपने नया वेक्टर लेके आए हो, जो V6 लेके आए हो, उसका इन VIs के साथ कम से कम एक वेक्टर के साथ तो रिलेशन होगा। या दूसरे शब्दों में ये कहेंगे हम कि जो ये V6 है वो हमारा इन VIs के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। क्या कहेंगे, अगर V1, V2, V3, V4, V5 अगर LI वेक्टर है और उसके अंदर एक नया वेक्टर डालने से अगर ये LD हो जाते हैं, दैट मीन्स जो वेक्टर आपने नया डाला है वो वेक्टर इन पांचों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जाएगा, वो डिपेंड करता है इन तीनों पे। तो ये हमारे पास थ्योरम होगी। थ्योरम क्या है कि अगर V1, V2, V3 अब कुछ VN अगर LI वेक्टर है और आपने एक VN+1 वेक्टर डालने से अगर ये LD हो गया, दैट मीन्स जो आपने नया वेक्टर डाला है वो इनके प्रीवियस वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बनाया गया है। आगे देखिए, हमें चेक करना है कि LI और LD वेक्टर कब कहेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास कोई वेक्टर दे दिया V1, ये मुझे दे दिया जाए 1, 2, 3, V2 मुझे दे दिया जाए 1, 0, 2 और V3 मुझे दे दिया जाए 1, 2, 4, मुझे ये दे दिया जाए तीन वेक्टर। अब आपको जो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, आपको अल्फा अल्फा आईज की वैल्यू निकालनी है, बट उसको सोल्व करना हमारे लिए जो है टिपिकल है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम उसको कभी यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, रैंक मेथड को यूज करेंगे। जितने वेक्टर उतनी ही रैंक आ जाए तो आप बोल दीजिए कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट है। अब ये वेक्टर कितने हैं हमारे पास, तीन, V1, V2, V3। अब इनको आप मर्जी है, या तो आप रो में लिख लीजिए या फिर इनको कॉलम में लिख लीजिए। मैं इनको रो में लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 1, 0, 2, 1, 2, 4। अब इसकी आप रैंक निकाल लीजिए और हम ये जानते हैं डिटर्मिनेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो उसकी रैंक उतनी ही होती है जितना ही कि वो ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो 1 × -4 −2 × 2 +3 × 2, तो ये हमारे पास आएगा −4
फोर प्लस सिक्स, दैट मीन्स ये आएगा माइनस टू, यानी कि जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा तो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, जितने के ये वेक्टर थे, तो यानी कि रैंक हमारे पास हो जाएगी इसकी तीन। और वेक्टर कितने हैं, एक दो तीन, वेक्टर भी तीन, रैंक भी तीन। रैंक तीन क्यों है, क्योंकि ये तीन ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। जितने ऑर्डर की अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाए तो उसकी रैंक उतनी ही होती है जितनी ऑर्डर की वो थी। डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाए दैट मीन्स रैंक कितनी है इसकी, तीन। वेक्टर भी कितने हैं इसके पास, तीन। दैट मीन्स ये जो वी आईज है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम ये कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हमें क्या दे दिया जाए, मुझे दे दिया जाए चार टप्लों में, वन टू माइनस थ्री वन, फोर फाइव सिक्स सेवन, ये दो वेक्टर दे दिए जाए और मुझे ये चेक करना है ये डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इनकी रैंक निकाल लेते हैं हम। वन टू माइनस थ्री वन, फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इसका रैंक निकालने के लिए डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं हम। दो क्रॉस दो ऑर्डर का माइनर लिया हमने, इसका हमने ले लिया वन टू फोर फाइव, डिटरमिनेंट निकाला, फाइव माइनस एट क्या नहीं आया, जीरो नहीं आया। कितने ऑर्डर का था ये हमारे पास, टू ऑर्डर का। दैट मीन्स इसकी जो रैंक होगी, ये ए मैट्रिक्स नाम दे देते हैं, जो रैंक रहेगी इस ए की ये हमारे पास हो चुकी टू। वेक्टर भी कितने हैं, टू, ये वी वन नाम दे दिया और ये वी टू। दैट मीन्स जितने वेक्टर उतनी ही रैंक है। दैट मीन्स क्या कहेंगे, वी वन एंड वी टू आर एल आई, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें पॉलिनोमियल दे दी जाए, मुझे ये बोल दिया जाए कि वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वेयर, टू एक्स प्लस एक्स का स्क्वेयर प्लस वन, ये तीन वेक्टर दे दिए मुझे और मुझे इनको एल आई या एल डी चेक करना। जब कभी भी आपको पॉलिनोमियल दे दी जाए तो उनको आप टप्पल में बना लीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपको हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है वो दो है, तो इसको दो डिग्री की बना लीजिए, ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स का स्क्वेयर। तो आप टप्पल में सबसे पहले लिखिए कॉन्स्टेंट, फिर एक्स का कोफिशियंट और फिर लिखिए आप एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट। जैसे अगर मैं वी वन की बात करूँ तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, वन, एक्स का कोफिशियंट क्या है, वन, एक्स स्क्वेयर का क्या है, जीरो, ये हो गया वी वन। वी टू देखिए, कॉन्स्टेंट वन, एक्स का जीरो, एक्स स्क्वेयर का माइनस वन। सिमिलरली वी थ्री पे आइए, एक्स का वन, सॉरी कॉन्स्टेंट वन, एक्स का टू और एक्स स्क्वेयर का वन, ये तीन वैक्टर हो गए। अब इनको क्या चेक कर लीजिए, रैंक निकाल लीजिए इसकी। निकालते हैं रैंक, वन वन जीरो, वन जीरो माइनस वन, वन टू वन। डिटरमिनेंट निकालते हैं, वन इंटू टू माइनस वन इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस वन, यानी कि ये हमारा हो जाएगा टू माइनस टू, जीरो। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू थ्री, इसकी जो रैंक है वो तीन नहीं है। तीन नहीं है तो क्या कहोगे आप कि इसकी जो रैंक आएगी हमारी वो क्या आएगी, तीन से कम आएगी। और तीन से कम आएगी दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो आप ये बोल दीजिए, ये जो वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स का स्क्वेयर, टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन है, ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आपको जब कभी भी पॉलिनोमियल दे दी जाए और उन पॉलिनोमियल को चेक करना हो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो हमेशा टप्पल में कन्वर्ट कीजिए और वहाँ से आपको रैंक फाइंड आउट कीजिए। अगर उसकी रैंक उतनी ही है जितने वो वेक्टर है तो आप बोल दीजिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर उनकी रैंक कम हो जाती है तो आप बोल दीजिए लीनियरली डिपेंडेंट है। आई होप फ्रेंड ये आपको समझ में आई होगी।